अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब जी? शुक्र अल्लाह का हम भी सब ठीक हैं। तो आज मैं बनाने लगी थी दही बड़े, तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। दही बड़े तो ऐसी चीज़ है कि जो हर इंसान को, हर बंदे को बहुत पसंद है, मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है, तो इसलिए हर बंदा ही बनाता होगा। बस मैंने कहा कि अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। सब्ज़ वाली मिर्ची 4 अदद और साथ में कुछ धनिया, इसकी बनाएंगे चटनी, सब्ज़ चटनी। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते, पर मुझे तो दही बड़े में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये चटनी डालती हूँ लाजमी। और 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया, साथ में 3 साबुत मिर्चें ली हैं, कटिंग करके डालूँगी। साथ में 3 अदद आलू हैं, 2 अदद प्याज हैं। प्याज हम लोग शौक से ज़्यादा खाते हैं दही बड़े में, इसलिए मैंने ये ज़्यादा प्याज ली है। और ये जितना आपको पानी की ज़रूरत होगी वो आप देख लीजिएगा, उतना पानी लेके। और ये मैंने ले ली है फुल्कियाँ ले ली हैं। कुछ लोग इसको फुल्कियाँ बोलते हैं, कुछ लोग इसको भरियाँ बोलते हैं जी। अब इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए भी भिगो के रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। और तब तक मैं ये आलू छील लूँगी, प्याज की कटिंग करके रख दूँगी, टमाटर वगैरह सब की कटिंग करके फिर मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए मेरा सारा मसाला इन्ग्रीडियंट्स वगैरह रेडी हो गए हैं। ये देखिए अभी कितनी अच्छी सॉफ्ट सी हो गई हैं। ये देखिए आलू की भी मैंने पीसीस कर ली हैं। और ये मेरा दही है तकरीबन आधा किलो। ये दो 1 टमाटर ले लिया है, साथ में चटनी बनाई है मैंने। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी डालते हैं। मुझे मीठी चटनी इतनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने मीठी चटनी नहीं डाली। 1 टीस्पून है लाल मिर्च और 1 ही नमक, साथ में चाट मसाला 1 टीस्पून और साथ में हरी मिर्च कटी हुई और 1 अदर टमाटर। ये देखें सारा कुछ रेडी हो गया। अब मैं इसमें दही में सब कुछ ऐड, दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डाली है। ये आप अपने हिसाब से ज़रूरत भी ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना भी कर सकते हैं। इसके साथ कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ये देखें जो मैंने प्याज की कटिंग की हुई थी और मैंने नमक लगा के इसको रख दिया था ताकि कड़वे ना हो। मैंने इसलिए थोड़े से प्याज ज़्यादा डाले, मैंने पहले भी बताया था कि हमें बहुत पसंद है हमारे घर में, मुझे मेरे भाई को बहुत पसंद है,
भाई भी कहता है जब नहीं बड़े बनाओ तो साथ में प्याज ज़्यादा ऐड किया करो, ज़्यादा ज़्यादा होता है। अब इसके ऊपर मैं आज मसाला कर दूँगी। ये देखें कितने यमी कितने टेस्टी बने, आप भी ट्राई कीजिएगा। मेरा तो अभी से दिल कर रहा है खाने को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। चलो उम्मीद करती हूँ कि आपको दही बड़े मेरे बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, आप अपना ध्यान रखिएगा।